दोस्तों Realme ने लॉन्च करी अपनी नई कॉलिंग वॉच और ये है Realme की टेक लाइफ वॉच R100। देखो सारे जो ब्रांड है आजकल कॉलिंग स्मार्ट वॉच की तरफ तो भाग ही रहे, मतलब कुछ भी जो बनाते थे आजकल सभी कॉलिंग वॉच बना रहे हैं। तो यहां पर Realme ने भी सोचा क्यों ना हम भी अपने हाथ आजमाएं और एक कॉलिंग वॉच उतार दें। नाम बड़ा लंबा सा रखा है लेकिन हमें तो उसका डब्बा खोलना है, तो फिर खोल लें डब्बा, क्योंकि चैनल का नाम है डब्बा खोल। तो बॉक्स कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहां पर जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे तो यहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन है और एक चार्जिंग केबल मिलती है। बाकी जो स्मार्ट वॉच है मैंने आपको पहले दिखा दी, लेकिन अब इसकी डिटेल के साथ बात करते हैं। सबसे पहले जब आप वॉच पकड़ोगे तो यहाँ पर दो कलर अवेलेबल थे, एक तो ब्लैक कलर और दूसरा एक ग्रे टाइप का था। वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा नहीं तो मैंने ये वाली मंगा ली। तो यहाँ पर लुक्स काफ़ी बढ़िया लगती है ब्लैक कलर के अंदर, मतलब एकदम माचो सी लगती है ये वॉच। और अगर बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर जो बिल्ड है यहाँ पर एकदम मेटल की मिलती है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। साइड में दो बटन्स मिल जाते हैं और यहाँ पर पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक का जो पैनल है वो सब कुछ मिलता है और सेंसर वगैरह यहाँ पर यूज़ कर रखे हैं। साइड में आपको स्पीकर ग्रिल्स और एक माइक्रोफोन का जो आउटपुट है वो देने के लिए मिल जाती है। बाकी अगर स्ट्रैप्स वगैरह की बात करूँ तो स्ट्रैप्स यहाँ पर आपको 20mm वाले रिप्लेसेबल भी हैं, चेंज कर सकते हो और क्वालिटी अच्छी है और कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो, मुझे काफ़ी सही लगे। बाकी अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो राउंड 1.32 की है और यहाँ पर रिजोल्यूशन नहीं दे रखा इन्होंने कितना है, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी मुझे लग रही है देखने में पता वो काफ़ी अच्छी लग रही है और अमेजिंग है यहाँ पर। बाकी हाथ में अगर बांधोगे तो यहाँ पर मीडियम साइज़ के जो हाथ हैं उन पर काफ़ी सही लगेगी, पतले जो हाथ होंगे वहाँ पर थोड़ी सी मतलब आपको बड़ी लग सकती है क्योंकि कॉलिंग वॉच है थोड़ी मोटी भी है और ज़्यादा हैवी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक क्वालिटी की मिल जाएगी। बाकी इसका जो रिस्ट वेकअप वाला जो मोड है वो काफी सही तरीके से काम करता है, ये भी हमने टेस्ट करके देख लिया था। अब जब वॉच पकड़ोगे तो सबसे पहले इसका टच और यूआई की बात करते हैं क्योंकि यहां पर सबसे पहले वही देखने को मिलता है जब आप यूज करोगे। तो टच की बात करते हैं तो इन्होंने जो ग्लास यूज कर रखा है वो काफी रिस्पॉन्सिव सा है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से मतलब उंगली फिसलती है और ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। लेकिन आपने देखा होगा कहीं कहीं मतलब ग्लास बहुत अच्छा यूज़ कर लेते हैं लेकिन अंदर यूआई थोड़ा सा लैग करता है, तो वो वाली बात यहाँ पर पूरी तरीके से बनी हुई है। टच तो मतलब मैं करूँगा तो मेरे हिसाब से तो उंगली तो काफ़ी सही फिसल रही है लेकिन जो यूआई है वो थोड़ा सा लैग करता हुआ चल रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वॉच के मुकाबले थोड़ा सा हैवी है, तो ऐसा कुछ यूआई है। बाकी जो अंदर माल मसाला है मतलब जो यूआई है मेन, जो इनका प्रेजेंटेशन है या फिर जो डायलॉग बॉक्स वगैरह खुल रहे हैं या फिर आइकन्स वगैरह वो काफ़ी सही है और जो नोटिफिकेशन वगैरह है वहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग आपको देखने को मिलती है। और जैसे मैंने बोला रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, उसकी वजह से काफ़ी सही तरीके से जो फॉन्ट्स हैं या फिर जो पिक्सल्स हैं वो सही तरीके से आ रहे हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं राइट की तरफ स्वाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन खुल रही है जिसके अंदर सारे जो नोटिफिकेशन है मेरे मैसेज और SPO2 कैलोरीज अलार्म का ऑप्शन इवन हार्ट रेट और स्ट्रेस मॉनिटरिंग और टेम्परेचर क्या चल रहा है बाहर और उसके साथ साथ एक्सरसाइज मोड एक ही बार में सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी अमेजिंग लगी। बाकी और भी चीज़ें वो आगे बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे मैं बोल रहा था आगे बताता हूँ तो यहाँ पर इसके वॉच मेन्यू की बात कर लेते हैं अंदर क्या क्या है। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एरिया देखने को मिलता है जहाँ पर आपको सारे मैसेज नोटिफिकेशन सब कुछ देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छा जो तरीका है मतलब खुलने का जहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती है और उनको आप स्लाइड करके और भी जाके पढ़ सकते हो। नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं वो देखने मिलते हैं। अलार्म का ऑप्शन है यहाँ पर और यहाँ पर आपको साइलेंट करने का ऑप्शन है, रिस्ट अवेक का ऑप्शन है, फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, फाइंड माई फोन का ऑप्शन है और बैटरी भी आपको ऊपर दिखा रही है। इसके बाद जैसे मैंने बोला था राइट की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपको सारा जो नोटिफिकेशन एरिया है वो दिखाई देता है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं एक बार के अंदर। वहीं अगर आप लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी, HR मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, वेदर अपडेट्स और म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। वहीं ये जो दो बटन है ये भी काफ़ी काम के हैं और यहाँ पर नीचे वाले बटन से तो सीधे स्पोर्ट्स मोड खुल जाते हैं लेकिन ऊपर वाले बटन से यहाँ पर आपको मेन मेन्यू खुलता है जहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो एक्टिविटी का है, एक्सरसाइज का है, HR मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस ब्रीदिंग और ब्रीथ ट्रेनिंग है सॉरी, इवेंट रिमाइंडर, फोन क्लॉक, वेदर, सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग्स में दिखाया तो क्या ऑप्शन मेन है, स्क्रीन ऑन टाइम को आप 5 सेकंड से 20 सेकंड तक ले जा सकते हो, रिंगटोन वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो, वाइब्रेशन का ऑप्शन है और रिसेट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो ये सारे जो फीचर्स थे वॉच के अंदर मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं बाहरी तौर पे क्या क्या फीचर यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 100
वॉच फेसेस का ऑप्शन मिलता है और ये मतलब कस्टमाइजेबल भी यहाँ पर मिल जाते हैं, तो अपनी फोटो वगैरह भी लगा सकते हो। तो मैंने फोटो लगाई थी, काफी सही जो पिक्सल्स हैं वो आ रहे हैं, फट नहीं रही फोटो और काफी अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर और स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं 100 और इसके साथ साथ IP68 के साथ भी आती है वाली वॉच। इसके साथ साथ ये जो वॉच है ये ब्लूटूथ कॉलिंग को भी सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर कॉलिंग का फीचर मिलता है, एलेक्सा का फीचर यहाँ पर दे रखा है, AI वॉइस असिस्टेंट नहीं है। दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूँ, AI वॉइस असिस्टेंट से आप कोई भी कमांड देके मतलब कॉल वगैरह यूज कर सकते हो, YouTube खोल सकते हो, कोई किसी का मैसेज पढ़ना वो खोल सकते हो, मतलब जो कमांड देके आप Google और Siri से कर सकते हो वो कर सकते हो। Alexa में ये काम इतना अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, वो चीज़ हो ही नहीं पाती बेसिकली। अब कॉलिंग का फीचर है तो कॉलिंग के लिए बता दूँ, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, सुन सकते हो, म्यूजिक नहीं सुन सकते, म्यूजिक का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको डायल पैड का ऑप्शन मिलता है, कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन मिलता है और रिसेंट कॉल का ऑप्शन मिलता है, तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो मिलते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बग्स हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। और हाँ, इसके बाद जब कॉल आती है तो यहाँ पर रिंग नहीं बजती, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ वाइब्रेट करती है और ये बटन दबाने से ये वाइब्रेशन थोड़ी देर के लिए या फिर कॉल रुक जाती है, यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमने हेल्थ मॉनिटरिंग जो फीचर्स हैं वो यूज़ करें, और सबसे पहले मैंने टेबल पे रख के चेक करा, तो टेबल पे या फिर हवा में तो बिल्कुल काम नहीं करते, रिस्ट पे जब तक नहीं बांधोगे अच्छी तरीके से ये काम नहीं करते, और रिस्ट पे काफ़ी सही तरीके से काम करते हैं। जहाँ पर आपको HR मॉनिटरिंग और SPO2 काफ़ी सही तरीके से दिखाते जब आप ऑक्सीमीटर के साथ टेस्ट करते हो। वहीं पेडोमीटर की जो रेटिंग थी बता दूं, अगर आप 100 कदम के आसपास चलते हो तो ये लगभग 112, 113 के आसपास दिखाता है, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन देख लो इस हिसाब की जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर मिलती है रियलमी की इस वॉच से। वहीं स्लीप मॉनिटरिंग तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये डिटेक्ट कर लेती है और मैं कहूँगा काफ़ी सही तरीके से काम करती है। और एक चीज़ और, इस तरह की जो वॉचेस होती है अगर आप हेल्थ मॉनिटरिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो बिल्कुल इनको इग्नोर करना, अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो HR मॉनिटरिंग और SPO2 को तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना इन वॉचेस के मुकाबले, कोई मेडिकल ग्रेड के इक्विपमेंट ही यूज़ करना, ये सिर्फ मतलब स्टाइल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो आप। अब गाइस बात करते हैं इसकी ब्राइटनेस की, तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो मुझे लगता है कि काफ़ी सही है, इनडोर आउटडोर वहाँ पर आपको ज़्यादा शेड लेना पड़ेगा नहीं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइटिंग में देखो तो हल्का फुल्का ऐसे शेड लेना पड़ेगा, बाकी ब्राइटनेस काफ़ी सही है। और हाँ, रिजोल्यूशन भी अच्छा है तो उसकी वजह से मतलब डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी सही लगती है। बैटरी की बात करूँ तो बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, यहाँ पर जब मैंने सुबह इसको चार्ज करा था तो एक दिन के अंदर ये 25% तक डिक्रीज हो गई है, तो और मैंने कुछ ज़्यादा हैवी यूसेज पे भी बात नहीं करी, एक तो कॉल जरूर मिला के देखी थी क्योंकि हमें टेस्टिंग करनी होती है, तो बोल सकता हूँ अगर आप हैवी यूजर हो और ब्राइटनेस को अगर मीडियम से थोड़ा भी ऊपर लेके जाते हो तो 2 से 3 दिन के आसपास ये वॉच चलने वाली है, बैटरी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 7 दिन का कंपनी क्लेम जरूर कर रही है लेकिन 2 से 3 दिन मैक्स है। तो दोस्तों इस वॉच को पेयर करने के लिए आपको जो ऐप लगेगी वो है रियलमी की वियर ऐप, और बता दूँ ये बहुत ही वाहियात ऐप लगी मुझे, और मतलब इतने बड़े ब्रांड से मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी घटिया ऐप बनाएंगे। सबसे पहले इसका इंटरफेस तो काफ़ी सही है, मतलब अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको मतलब हेल्थ मॉनिटरिंग जो फीचर हैं सबसे पहले वो देखने को मिलेंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है एक्सरसाइज का, जहाँ पर आपको जो भी आपने एक्सरसाइज करी है आउटडोर इनडोर में, या फिर आपका फ़ोन का जब GPS ऑन होगा तो एक ट्रैक बन जाएगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगला जो ऑप्शन है वो डिवाइस का है, और यहाँ पर कनेक्शन में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी बता रहा हूँ मेरा ब्लूटूथ ऑन है और अगर आप देखोगे तो कनेक्शन में अभी प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्टिंग प्रॉब्लम दिखा रहा है, और ये चीज़ मुझे देखने को मिलेगी। जबकि ब्लूटूथ से अगर आप देखोगे तो अभी ये कनेक्ट है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लूटूथ से अभी कनेक्ट है लेकिन ऐप के अंदर अभी भी ये डिसकनेक्ट दिखा रही है, तो ये इशू लगा मुझे। बाकी डिवाइस के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो बहुत सारे मल्टीपल, और वॉच फेसेस भी लोड होने में इतना टाइम लगाते हैं जैसे कि मतलब किसी नए नवेले डेवलपर ने इसको बना दिया हो, कोई काम धंधा है नहीं। 100 वॉच फेसेस की बात करिए, 3-4 में अब तक अपडेट कर पाए और कस्टमाइज तो कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं करवाते। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इनकमिंग कॉल्स वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह को आप इनेबल कर सकते हो, और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं वो देखने मिलेंगे, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब बहुत ही धीमे और थकी सी ऐप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब कंक्लूजन की बात करने से पहले यहाँ पर जो और भी जो बग्स वगैरह हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि ऐप के बारे में बताया, ऐप तो बहुत थकी हुई सी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि काफ़ी जो कॉलिंग वॉचेज आती है उसके अंदर म्यूजिक बजता है, इसके अंदर म्यूजिक नहीं बजता। कॉल आते ही तो रिंग भी नहीं बजती इसके अंदर, इवन जब मैं कॉल कर रहा हूँ इससे
तो ये बस दिखाता रहेगा कि डायलिंग है, लेकिन ना तो फोन के अंदर कुछ पता लगता है कि कोई कॉल हम डायल कर रहे हैं, और ना इसके अंदर कोई आवाज़ आती या फिर कुछ भी नहीं आता, स्पीकर के अंदर इवन आवाज़ भी नहीं आती। लेकिन जब कॉल आती है तब आप ओके करके सुन सकते हो, ये चीज़ है। तो यहाँ पर एक माइक्रोफोन का आउटपुट डाल देता हूँ मैं आपको, तो ऐसा कुछ माइक्रोफोन का आउटपुट है और यहाँ पर स्पीकर का आउटपुट भी इनपुट कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये है इस बॉस के माइक्रोफोन का आउटपुट, अभी मैं कॉल प्लेस कर रखी है यहाँ पर, आप देख ही पा रहे होंगे। तो ऐसा कुछ माइक्रोफोन का आउटपुट जाएगा जब आप इतनी भी पास से बात करोगे इस बॉस से। ये चीज तो है, ठीक है, स्पीकर का आउटपुट भी है, माइक्रोफोन का आउटपुट भी है, लेकिन आप कॉल नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम मुझे पता नहीं लग रहा है कि क्यों है और क्या ऐसी कोई दिक्कत है, म्यूजिक नहीं चल रहा, तो ये प्रॉब्लम है अभी इसके अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो ये जो वॉच है 3499 रुपये के अंदर लॉन्च हो रही है, और मुझे लगता है कि अभी मत खरीदना क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। रियलमी के बहुत डाई हार्ड फैन तो बिल्कुल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको एक वॉच चाहिए और कॉलिंग स्मार्ट वॉच वाली चाहिए तो ले सकते हो। लेकिन हाँ, अभी कुछ बग्स हैं, इशू है, ऐप भी थोड़ी सी ऐसे ही काम कर रही है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी इसका 20 या 25 दिन बाद अगर कोई फाइनल रिव्यू अगर मेरे पास मिल पाएगा तो मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड करूंगा और वहां पर पूरी चीज़ें बताऊंगा कि आप ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते। दोस्तों ये सब कुछ था इस वॉच के बारे में, बाकी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा बताने का तरीका और ये जो वॉच है ये काफ़ी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी आपको दबाना ही पड़ेगा क्योंकि आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो तभी मिल पाएंगे। बाकी 7 तारीख को मेरा बर्थडे आ रहा है तो वहाँ तक आप 50,000 करवा दो, वरना 2 केक काटने पड़ेंगे अलग अलग। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।